जय श्री कृष्ण दोस्तों। 2019 में एक लाइन जो काफी पॉपुलर हुई थी वो थी अपना टाइम आएगा। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है टाइम। एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन। अक्सर आपने यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे विच सेज हाउ टू लूज वेट, हाउ टू गेन सिक्स पैक्स, व्हाट टू से टू योर बॉस टू गेट रेज, हाउ टू रेज योर किड्स एंड सो ऑन। यानी मोस्ट ऑफ द वीडियोस हाउ एंड व्हाट के क्वेश्चन आंसर करती है, लेकिन बहुत कम वीडियोस या बुक्स ऐसे हैं जो ये बताती है कि व्हेन टू डू दिस थिंग्स। व्हेन इज द मोस्ट अल्टीमेट लाइफ हैक एंड इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। दोस्तों 1st जुलाई वाज डॉक्टर्स डे एंड सीए डे। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी बताई थी एंड उस वीडियो को मैं सारे सीएस को डेडिकेट करता हूँ। लिंक ऊपर आई बटन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, आप जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो तो। नाउ आज की क्राइसिस की सिचुएशन को चलते देख बुकगेन चैनल थ्रू मैं देश और दुनिया के सारे डॉक्टर्स का नम्र अभिवादन करता हूँ। आज के वीडियो को मैं सारे डॉक्टर्स को डेडिकेट करता हूँ फॉर ऑल देयर एफर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड आज हम डॉक्टर माइकल ब्रिस्ट ने लिखी द पावर ऑफ व्हेन की समरी पे बात करेंगे। एंड हाँ, हमेशा की तरह वीडियो की एंड में मैं आपको कुछ बातें अपने एंशियंट स्क्रिप्चर्स भगवद गीता एंड चाणक्य नीति की भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो एंड जब वो दवाई लिख कर देते हैं तो अक्सर उसमें तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन, व्हाट इज द मेडिसिन टू बी टेकन, टैबलेट्स, फ्लूइड्स। नंबर टू, हाउ इट नीड्स टू बी टेकन, यानी विद वार्म वाटर एंड सो ऑन। नंबर थ्री, व्हेन इट नीड्स टू बी टेकन, यानी आफ्टर लंच या सोने से पहले एंड सो ऑन। नाउ द पॉइंट टू नोट इज कि डॉक्टर की दी गई मेडिसिन का इफेक्ट और भी प्रॉपर होता है जब टाइम को अच्छे से फॉलो किया जाए ऑन व्हेन द मेडिसिन इज टू बी टेकन, एल्स उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल दूं तो रोहित शर्मा जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन रहे हैं, कहीं क्रिकेटर्स कहते हैं कि ही इज वेरी स्पेशल बिकॉज ऑफ हिज टाइमिंग टू हिट द बॉल। बहुत सारे बैट्समैन व्हाट शॉट टू प्ले एंड हाउ टू प्ले ये तो पता लगा लेते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जब भी बॉल डिलीवर होती है, बट टाइमिंग प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल वेदर दैट बॉल विल गो बियॉन्ड द फेंस और नॉट। यानी द पावर ऑफ व्हेन प्लेज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। Now, one more concept. क्या आपको पता है कि a lion wakes up early in the morning and also hunts typically in the morning. A wolf wakes up very late and is more active at night, especially for hunting. A bear wakes up anytime and goes with the flow, hunts anytime he's hungry. A dolphin sleeps with only half of their brain at a time. Yani, उनका जो दूसरा half है, वो active रहता है even while sleeping. They are light sleepers. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। वेल ये इसलिए इम्पोर्टेंट था जानना क्योंकि ऑथर के इयर्स ऑफ रिसर्च एंड साइकोलॉजिकल स्टडी के बाद उन्होंने ये प्रूव किया कि ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग इनमें से एक कैटेगरी को बिलोंग करता है। एंड अकॉर्डिंगली ऑथर हैज क्राफ्टेड ऑल इम्पोर्टेंट डे टू डे टास्क्स दैट वी शुड फॉलो ऑन अ डेली बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द क्रोनोटाइप टू द एक्सटेंट विजिबल। बुक में एक बायो क्विज है जो हमारा एग्जैक्ट क्रोनोटाइप जानने में हमारी मदद कर सकता है। अब सारे क्वेश्चंस तो इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस सिलेक्ट किए और वो शेयर करता हूँ अब आपके साथ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में आंसर करो या फिर एक नोटपैड पे लिख लो एज वी प्रोसीड। एंड में डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्सेस तुम्हें तुम्हारा क्रोनोटाइप पता चलेगा। अकॉर्डिंगली ऑथर ने कुछ डेली टास्क एंड टाइम सजेस्ट किए हैं फॉर दैट पर्टिकुलर क्रोनोटाइप। एंड हाँ, आप में से कई लोग शायद रोटेटिंग शिफ्ट्स में काम कर रहे होंगे, सो फॉर ऑल ऑफ यू वैसे तो सारे एक्टिविटीज उस टाइम पे करना डिफिकल्ट होगा, बट सी कि आप डिपेंडिंग अपॉन योर शिफ्ट इफ यू कैन अडैप्ट टू दैट क्रोनोटाइप फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट टाइम डू यू वेक अप नेचुरली? ऑप्शन ए अबाउट 6 AM और अर्लियर, बी 8 or 9 AM, सी समवेयर अराउंड 11 AM, डी बेयरली स्लीप थ्रू नाइट एंड देयरफॉर वेकअप टाइम वेरीज। आपका ऑप्शन कहीं पर नोट कर देना एंड डू दिस फॉर ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। Question 2, how do you feel about parties? A, not really cup of my tea. B, okay. C, I just love them. D, I just hate them. Question 3, what time do you usually go to bed? Option A, about 9 to 10 PM. B, around 10:30 to 11:30 PM. C, around midnight. D, very late, but this may vary. Question 4, what do you do most on the weekends? A, clean up house and prepare schedule for next week. B, try to recoup my sleep. C, meet with friends and family. D, relax at home. Question 5. Do you get enough sleep at night? A, not really, but manageable. B, I always want more. C, yes, but mornings are hard for me. D, definitely not.
क्वेश्चन 6 एंड आखिरी क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डू यू फील द शार्पेस्ट? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मे वेरी। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट्स। अगर आपने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स ए दिया है, देन यू बिलोंग टू द टाइप लायन, विच आर अराउंड 10-15% पीपल इन द वर्ल्ड। अगर आपने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स बी दिया है, देन यू बिलोंग टू टाइप बेयर, विच आर अराउंड 50-55% पीपल इन द वर्ल्ड। अगर आपने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स सी दिया है, देन यू बिलोंग टू द टाइप वुल्व्स, विच आर अराउंड 10-15% पीपल इन द वर्ल्ड। अगर आपने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स डी दिया है, देन यू बिलोंग टू द टाइप डॉल्फिन, विच आर अराउंड 10-15% पीपल इन द वर्ल्ड। अब लेट्स सी कि ऑथर, जो कि एक डॉक्टर भी है, वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर सम ऑफ द कॉमन एक्टिविटीज फॉर ईच ऑफ दिस क्रोनोटाइप। इफ यू आर अ लायन टाइप, टिपिकली लायन अपना 80% ऑफ द काम सुबह ही कर देते हैं, जब बाकी के क्रोनोटाइप्स उठे भी नहीं होते। हाउएवर, उनके खुद के अपने चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे दे कैन नॉट स्टे एनर्जेटिक पोस्ट आफ्टरनून टू लेट इवनिंग्स। सो फॉर द लायंस टू मेंटेन अ हेल्दी शेड्यूल, ऑथर कहते हैं कि लायंस शुड वेक अप एट अराउंड 5-5:30 AM। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करो विद मोर प्रोटीन्स, क्योंकि लायंस को सुबह उठते ही बहुत ज्यादा भूख लगती है। मील्स खाते रहो एवरी 3-4 hours टू कीप द एनर्जी अप, एंड बाय 5 PM लायंस आर यूजुअली डन फॉर देयर प्रोडक्टिव वर्क, तो उस टाइम पे थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं। लायंस को डिनर अराउंड 6-7 PM कर लेना चाहिए, एंड अराउंड 9-10 PM सो जाना चाहिए। इफ यू आर अ बेयर टाइप, इनका वैसे तो एक स्टेबल शेड्यूल होता है, लेकिन उन्हें हमेशा लगेगा कि यार नींद पूरी नहीं हुई है। तो ऑथर कहते हैं कि बेयर्स शुड वेक अप एट अराउंड 6-6:30 AM, एक्सरसाइज एंड हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट। दे आर प्रोडक्टिव बिटवीन 11-6 PM। दोपहर को थोड़ा चार्ज अप होने के लिए दे शुड ऑलवेज हैव कॉफी और टी इन द आफ्टरनून, एंड द बेस्ट टाइम टू स्लीप इज बाय 11 PM। एक और बात, ऑथर कहते हैं कि बेयर्स लव स्लीपिंग ऑन वीकेंड्स, लेकिन उन्हें वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी और भी लेजी हो जाती है। इफ यू आर वुल्फ टाइप, यू मे हेट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सो यू डेफिनेटली नीड एन अलार्म टू वेक अप। ऑथर कहते हैं कि वुल्फ शुड ट्राई वेकिंग अप एट लीस्ट बाय 7:30 AM, एंड जैसे ही उठते हैं कुछ गर्म पानी या कॉफी पियो, एंड ट्राई टू ड्रिंक दिस इन द बालकनी और सो। एक लाइट ब्रेकफास्ट करो, ट्राई वॉकिंग जितना हो सके, स्पेशली अगर ऑफिस चल के जा सकते हो तो। Wolves are productive between 12 PM to 8 PM, with 2 PM being the absolute peak. Wolf office hours के बाद भी जिम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी सुपर हाई रहती है उस टाइम पे। Wolves को सारे gadgets 11 PM तक बंद कर देना चाहिए, and should sleep at most by 12 AM, in midnight. If you are a dolphin type, इनकी नींद बहुत ज्यादा नाजुक होती है, and ये लोगों को कई बार insomnia भी होता है नींद कम होने के कारण। इन लोगों को author कहते हैं कि they should try to wake up at 6 AM, and start a day with run or easy exercise. फिर shower and breakfast करो with proteins as well as carbs. ये लोग productive होते हैं between 10-6 PM and सबसे ज़्यादा between 10-12 PM. After work, इन्हें भी light exercise करना चाहिए. And at 10 PM, they should put all their gadgets aside and try to sleep by 11 PM. वैसे, इस book में और भी कई interesting points हैं depending upon chronotype, such as when to ask for a raise from your boss, when to sell a deal, when to play games, when to learn something new, and so on. अगर ये बुक एंड बाकी का कंटेंट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शंस में बता देना, एंड आई विल ट्राई टू कवर रिमेनिंग टॉपिक्स इन माय अपकमिंग वीडियोस। नाउ ये बुक मुझे सच में ऐसी लगी दैट इट्स कमिंग एज अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर फिट एंड हेल्दी लाइफ। काफी कम बुक्स इस टाइप की होती है, एंड आई विश ईच ऑफ यू टू रीड दिस बुक इफ पॉसिबल, एटलीस्ट फॉर योर क्रोनोटाइप। एसेंशियली ऑथर सेज टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वर्क योर डे इन अ टाइम बाउंड मैनर। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। अब हमेशा की तरह अपने एंशियंट स्क्रिप्चर से भी कुछ बातें मैं शेयर करता हूँ। तो चाणक्य नीति का एक श्लोक जो परफेक्टली इस टॉपिक से रिलेट करता है इज एज फॉलोज, इंद्रियानि च समयाम्य भगवत पंडितो नरः देश काल बलम ज्ञत्व सर्व कार्याणि साध्येत। अब इसका मीनिंग है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने सेंशुअल डिजायर्स को कंट्रोल करके अपने लक्ष्य एंड कर्म पर ध्यान देना चाहिए, एंड वो भी तब जब उसने अपने आप का परिचय कर लिया हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। यानी टाइम इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बिफोर डूइंग एनी वर्क। अब भगवद गीता की एक बात देखो, भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने 3 जगह समय की बात की है, एंड वो समय को अपने आप से भी जोड़ते हैं। भगवद गीता के हिसाब से 5 तत्व होते हैं इस दुनिया में फॉर एग्जिस्टेंस, और श्री कृष्ण उन 5 तत्वों को अपने आप से जोड़ते हैं। और ये 5 तत्व है, काल यानी टाइम, ईश्वर यानी गॉड, जीव यानी लिविंग बींग, प्रकृति यानी अर्थ, एंड कर्म यानी वर्क। सो टाइम को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है।
एंड इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट कि श्री कृष्ण जी ने अपने आप को खुद समय कहा है। अब एक और श्लोक बताता हूं मैं, 10वें अध्याय का 30वां श्लोक। प्रह्लादास चस्मि दैत्यानाम कालह कालायत्यम यहम मृगानाम च मृगेन्द्रोहम वैनतेश्च पक्षीनाम। अब इसका मीनिंग है, प्रह्लादास चस्मि दैत्यानाम, सारे दैत्यों में मैं प्रह्लाद भक्त हूं। कालह कालायत्यम अहम, सारे कंट्रोलर्स में मैं समय हूं, मैं टाइम हूं, द पावर ऑफ वेन। मृगानाम च मृगेन्द्रोहम, सारे एनिमल्स में मैं लायन हूं। वैनतश्च पक्षीनाम, सारे बर्ड्स में मैं गरुड़ हूं। सो हमारी एंशियंट स्क्रिप्चर भी यही बताती है कि समय एंड टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी कार्य करने के लिए। नाउ टू एंड, हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में कहीं सारी लर्निंग्स एंड टीचिंग्स लिखी गई थी, बस हमें जानने की जरूरत है। बुग्यान चैनल पर मैं ऐसे मॉडर्न बुक्स की एनिमेटेड समरी एंड एंशियंट स्क्रिप्चर्स के प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स शेयर करते रहता हूं आप सबके साथ, यूजुअली एवरी वीकेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके बताएं कोई टॉपिक जिस पर आप बुक समरी जरूर देखना चाहोगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री कृष्णा।